आइए दोस्तों, मैं आपको रामधाम फन सिटी पार्ट वन की पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है, इसके सामने के गेट को देखिए, इतने सारे होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं रंग बिरंगे। ये सब रामधाम के अंदर होने वाली एक्टिविटी के बारे में जानकारी है। एक वाइट वाले बोर्ड में जो दिख रहे थे, वो यहाँ के प्रोपराइटर हैं। देखिए वहाँ का एंट्रेंस गेट कितना खूबसूरत है। देखिए ये सामने में एक टिकट घर है, फ्री में नहीं है, पर हेड 100 रुपये टिकट है। बहुत सारी रंग बिरंगी, देखिए ये जानवरों के स्टैचूज लगे हुए हैं। बहुत सारे गमले लाइन से लगे हुए हैं, क्यारियाँ हैं, रंग बिरंगे पेड़ पौधे, हरियाली है। देखिए इतने सारे हिरण वगैरह है, हिरण के स्टैचू एक्चुअली ये एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया रामधाम को। थोड़ी धूप है, एडजस्ट कर लेना। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं ना, अंदर में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में पूरे डिटेलिंग देते हैं, ये जानकारी देते हैं कि अंदर इस तरह की एक्टिविटीज वगैरह है। यहाँ सभी उम्र के लोगों के का ध्यान रखते हुए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की गई है। हाँ, यहाँ के प्रोपराइटर हैं, देखिए एकदम एडवांस टेक्नोलॉजीज वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। ये ऊपर वायर रोप दिख रहे हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। वाह क्या बात है, इसका फ्रंट गेट भी बहुत सुंदर था। अभी हाईवे पे है, देखिए सुंदर सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, क्या बात है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उनके एंटरटेनमेंट के बारे में पूरी व्यवस्था की गई है। ये पहला पार्ट है ये रामधाम फन सिटी का, इसको मैंने 5 पार्ट में बनाया है। सेकंड पार्ट में उस पहाड़ के बारे में और वहाँ पर स्थित चीज़ों के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में डिटेलिंग करूँगा। देखिए बैठक वगैरह इतनी शानदार बनाई है यहाँ पर, अभी तो शुरुआत है जी, ये पहले पार्ट की। एकदम चारों तरफ कहाँ जाए कहाँ ना जाए ऐसा लगता है, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की भव्यता देखकर। देखिए वो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ के प्रोपराइटर वगैरह हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ये मॉडर्न आर्ट जैसा दिख रहा है, एक मंकी खड़ा है। ये सब्सक्राइब के बारे में है कि सब्सक्राइब करें करके, हाँ आगे आगे धीरे धीरे मालूम पड़ेगा यहाँ क्या क्या होता है, कौन कौन से कार्यक्रम्स वगैरह, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। ये पहला पार्ट है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा में आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही रंग बिरंगा कार्यक्रम है। जी हाँ, सभी के लिए मज़े वाली बात है, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, लेडीज़ हो। जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्या कार क्यारियाँ हैं, क्या फूल पत्ते हैं, और यहाँ क्या